हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या हमें क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, और चाहिए तो हमें आखिर किस स्थिति में लेना चाहिए। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। जो कि मैंने यहां पर क्रेडिट कार्ड ले लिया है, और जो कि मैंने जब से क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है तो आखिर तब से मुझे यहाँ पर क्या नुकसान हुआ है, और आखिर क्या यहाँ पर बेनिफिट है, वो भी चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो बैंक है वो किन लोगों को यहाँ पर क्रेडिट कार्ड देता है वो चलिए हम जान लेते हैं। क्रेडिट कार्ड जो बैंक है उन्हीं लोगों के लिए देता है जो कि देखते हैं कि हाँ इनका लेन देन अच्छा है, इसी के साथ में इनका पैसा है वो अधिकतर जो कि बैंक में रह रहा है, बैंक में यहाँ पर ये निवेश कर रहे हैं पैसे को, जैसे कि FD है, म्यूचुअल फंड है, बहुत सारी जो कि बैंक की स्कीमें हैं, ठीक है। तो अगर आपने उनमें निवेश कर रखा है और आपके खाते में लगातार पैसे यहाँ पर रह रहा है और अच्छा खासा आपका अकाउंट है, लेन देन है, ठीक है, तो आपको वहाँ पर क्रेडिट कार्ड देने के लिए वो तैयार हो जाएंगे, ठीक है। आप क्रेडिट कार्ड नहीं लेंगे पर वो आपको यहाँ पर देने के लिए कहेंगे, ठीक है, कि आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर सारी जो घटना है मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद में हम जानेंगे कि आखिर क्रेडिट कार्ड हमें लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, और क्या क्या इसमें मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मेरा यहाँ पर लेन देन अच्छा खासा था, करीब मंथली का हो जाता था 2 लाख रुपए के समथिंग लेन देन, और इसी के साथ में मेरे म्यूचुअल फंड और FD वगैरह में भी पैसा था। तो यहाँ पर बैंक वालों ने मुझे यहाँ पर कॉन्टैक्ट किया कि आप यहाँ पर जो आपका क्रेडिट कार्ड है आप यहाँ पर ले लीजिएगा, आपका नाम यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। आप पता नहीं यहाँ पर बैंक की तरफ से मेरे पास फ़ोन आया था, मैं गया बैंक और उन्होंने फिर उसके बाद में कुछ यहाँ पर आधार कार्ड इसी के साथ में मोबाइल नंबर की OTP वगैरह ली और उन्होंने यहाँ पर वेरीफाई कर दिया। उन्होंने कहा कि 15 से 20 दिन में आपके पास जो वेरीफिकेशन करने के लिए एक कॉल आएगा कि आप क्या करते हैं, कि आपकी जॉब क्या है, या फिर आपके शॉप है, या फिर बिजनेस है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर बता देना है साफ साफ। उसके बाद में आपके जो क्रेडिट कार्ड है वो इशू कर दिया जाएगा और आपके पास 15 दिन में पहुंच जाएगा। पर उस साल मेरा जो क्रेडिट कार्ड है वो नहीं आया। उसके बाद मुझे दूसरे साल फिर उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि जो क्रेडिट कार्ड है वो आपका यहाँ पर नेम आ चुका है, आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड ले जाइएगा। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पर कहा कि भाई ऐसा नहीं है कि जो मेरा क्रेडिट कार्ड है, मैंने पिछली बार भी अप्लाई कर दिया था और मेरा क्रेडिट कार्ड नहीं आया, ठीक है। पर काफ़ी लोगों ने कहा था कि उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है कि ऑनलाइन शॉपिंग करो, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, ठीक है। तो उसके बाद में चलिए मैंने कहा चलो वीडियो बन जाएगी और उसके बाद में मुझे भी पता चल जाएगा, और जो भी लोग कह रहे थे कि क्रेडिट कार्ड सर हमें लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो भी उन लोगों को भी मैं बता सकूंगा, ठीक है, जो कि अगर मुझे पता होगा तभी तो बता पाऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद मैंने वहाँ पर क्रेडिट कार्ड लिया और उसके बाद में उन्होंने दिया भी, ठीक है, जैसे वही सारा प्रोसेस उन्होंने करवाया दोबारा, ठीक है। उसके बाद में 15 दिन के बाद मेरे पास क्रेडिट कार्ड आ गया था, ठीक है, क्योंकि मैंने उनसे बोल दिया था कि मेरे पास ना तो इतना समय है कि मैं आपके बैंक के चक्कर काट पाऊँ, ठीक है। हालांकि बैंक उन्होंने बंद भी कर दी थी और पर वैसे खुली हुई थी, ठीक है, बैंक पर उन्होंने कोई आ जा नहीं रहा था और उन्होंने कहा कि आप आ जाइएगा, हम आपको क्रेडिट कार्ड यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। उसके बाद में मैं गया और उन्होंने बैंक खोली, उसके बाद में उन्होंने क्रेडिट कार्ड वहाँ पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। जैसे ही क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दिया 15 दिन के बाद मेरे पास आ गया, और उसकी जो डिस्प्ले है वो आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं, मोबाइल पर आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं, जो कि मुझे 40,000 की लिमिट दी गई थी, जो कि मुझे 55 दिन में पे करने थे अगर मैं 40,000 रुपये खर्च कर लेता हूँ तब, ठीक है। अब यहाँ पर किस तरीके से ये खर्च करने का मतलब है, जैसे कि अगर आज मान लेते हैं हम 15 तारीख है और हमने 15 तारीख को इसमें से 20,000 रुपये खर्च कर लिए, और उसके बाद में जो 10,000 हैं वो हमने खर्च किए 20 तारीख में, तो ये नहीं है कि आपको जो पेमेंट है वो एक ही डेट में जाके करना पड़ेगी, अलग अलग जिस टाइम पे आपने खर्च किए हैं तो लगभग 50-50 दिन बाद आप यहाँ पर पैसे को जमा कर सकते हैं, का मतलब है डेट बाई डेट, ठीक है, तो आप यहाँ पर पे कर सकते हैं, इसका मतलब यही है, ठीक है। इस कार्ड को आप लेंगे तो आपके अकाउंट से करीब यहाँ पर 700 रुपये कट जाएंगे, ठीक है। हालांकि बैंक वाले कहेंगे कि आपके 500 रुपये कटेंगे, पर इसके GST चार्जेस वगैरह होते हैं और जो प्रोसेसिंग फीस होती है वो यहाँ पर कट जाती है। लगभग 700 रुपये कट गए थे मेरे पहले ही साल में, ठीक है। और उसके बाद में इन्होंने कहा कि आपको 2,000 रुपये का बोनस मिल जाएगा, जो कि आप शॉपिंग करेंगे, ठीक है, 2,000 रुपये तक की, तो उसके बाद में आपको 2,000 रुपये वो वापस लौटा दिए जाएंगे, ठीक है। तो भाई मुझे तो इसमें अभी तक कोई प्रॉफिट यहाँ पर लगा नहीं है, ठीक है, वो भी चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पर शॉपिंग करी है कि नहीं करी है, क्या क्या सामान खरीदा है कि नहीं खरीदा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखने को मिला है व्यू अकाउंट डिलीट यानी कि डिटेल्स, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं
यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो 40,000 की है, 6,000 रुपये मैं यहाँ पर कैश निकाल सकता हूँ। अगर आप एटीएम से कैश कभी भी निकालते हैं तो आपको भारी पेनल्टी यहाँ पर देनी पड़ती है, जो कि 500 रुपये की आपको देनी पड़ती है एक ट्रांजेक्शन पर, ठीक है। तो इससे कैश निकालने का तो कोई फ़ायदा है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि पेमेंट है मैंने यहाँ पर कर दी है, और आप ट्रांजेक्शन भी आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर फ्यूल वगैरह डलवाते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ छूट मिलती है टैक्स में। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो टैक्स है वो रिटर्न आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं फ्यूल और आपको जो टैक्स है वो यहाँ पर रिटर्न हो गया है, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। 9 रुपये मुझे यहाँ पर रिटर्न हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में आपकी जो रिवार्ड्स होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, व्यू रिवार्ड्स पॉइंट्स, ठीक है। इस पर हम चलिए सिंपली क्लिक करते हैं तो इसमें कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हैं वो आप यहाँ पर सारी चीज़ें देख ही पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में चलिए मैं यहाँ पर बैक करता हूँ। बैक करने के बाद में आपको चलिए एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं, ठीक है, तो आपको होटल बुकिंग करने के लिए, ठीक है, ज़रूरत होती है, तब वहाँ पर जो एटीएम कार्ड है या फिर गूगल पे है तब आपको दिक्कत खड़ी होती है। जब आप कोई फॉरेन कंट्री में जाते हैं तब तो वहाँ पर ये क्रेडिट कार्ड सबसे अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये तो इसके फ़ायदे हैं, ठीक है। और आपको लग रहा है कि भाई आपको पैसे की तंगी नहीं रहती है, ठीक है, तो आप इस क्रेडिट कार्ड को मत लीजिएगा, ठीक है। और आपको लग रहा है कि भाई हमें पैसे के बीच में ज़रूरत पड़ जाती है तो क्रेडिट कार्ड होगा हम उससे खर्च कर लेंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। आप खर्च कर भी लेंगे तो उससे आपको पे करना भी होगा महीने पर, ठीक है। अगर आप 10 से 15 हज़ार की कोई जॉब करते हैं और इसी के साथ में अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को ले भी लेते हैं, बीच में आप यहाँ पर शॉपिंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा तो आप कहेंगे अरे सामान खरीद लेते हैं उसके बाद में हम पेमेंट उससे बाद में कर देंगे, ठीक है, यानी कि मंथली आएगा तब, यानी कि हम क्रेडिट कार्ड से इस समय खरीद लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका खर्चा है वो यहाँ पर लगातार बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। अगर आपकी अच्छी खासी इनकम है तो आप यहाँ पर ख़रीद सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट नहीं है क्योंकि मैं भी इसे डिसेबल ही कराने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर लगभग 600-700 रुपये यहाँ पर पे कर दिए हैं, तो मुझे लग रहा है कि अब एक साल लमसम चला ही लूँ, ना जाने कहीं पर भी यूज आ जाए, ठीक है, काम में, ठीक है। हालांकि मैं ट्रैवलिंग वगैरह नहीं कर रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता ये ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अगर आप लेट हो जाते हैं फीस देने में तो आपको भारी पेनल्टी का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। तो ये कुछ इसके फ़ायदे हैं और कुछ इसके नुकसान भी हैं, ठीक है। नुकसान ही ज़्यादा हैं क्योंकि जब अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा तो आप यहाँ पर शॉपिंग भी अधिक ही करेंगे, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो इसको लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।